जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो मुझे उम्मीद है। हम लोग कर रहे हैं नाइन्थ मैथ्स साइंस ग्रुप और उसका चैप्टर हम कर रहे हैं 17 और उसकी एक्सरसाइज है 17.1 और उसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आज इस वीडियो के अंदर हम मूव करेंगे। सीखेंगे फोर्थ क्वेश्चन और हम फिफ्थ क्वेश्चन को सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जैसा आप सीख के आए हो चैप्टर नंबर 17 की 17.1 एक्सरसाइज की जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर आपने पहले तीन क्वेश्चन सीखे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर भी वो ये कह रहा है एक आपको कंस्ट्रक्ट करना है अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज हाइपोटेन्यूस इज, आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है कंस्ट्रक्ट करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल विद हाइपोटेन्यूस। ऑब्वियसली राइट ट्रायंगल आपको यूज करनी है, राइट ट्रायंगल बनाना है आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो मैं यहाँ पे लिखना स्किप कर गया हूँ, वैसे यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे दैट कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल विद हाइपोटेन्यूस। आगे आपको चार पार्ट्स दिए हुए, इनमें से कोई एक अभी हम सीखते हैं। पहले पार्ट के अंदर वो कह रहा है अगर हाइपोटेन्यूस 5.2 सेंटीमीटर हो या फिर 4.8 सेंटीमीटर हो तो 4.8 सेंटीमीटर के साथ बनाना है, और इसी तरह 6.2 सेंटीमीटर 5.4 अगर हम एक हाइपोटेन्यूस इनमें से किसी भी लेंथ का ले लें तो एक के साथ अगर हम सीख लेते हैं तो बाकी तीनों भी उसी टोकन के ऊपर आप खुद क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो मैं इनमें से कोई एक पार्ट ले लेता हूं, चलो मानो मैं ले रहा हूं इसमें थर्ड पार्ट ले लेते हैं, हम इसका थर्ड पार्ट ले रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में वो सिक्स पॉइंट, एक्चुअली आई एम कंसिडरिंग थर्ड पार्ट जिसके अंदर हाइपोटेन्यूस है आपका 6.2 सेंटीमीटर्स का, 6.2 सेंटीमीटर आपको आपकी बुक नज़र आ रही होगी उसके ऊपर दिया हुआ 6 पॉइंट। ये देखिए बुक मैंने आपके ही ली हुई है और नाइन्थ साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 3 और इसके अंदर आपको चार पार्ट्स दिए हुए हैं पहला दूसरा तीसरा और चौथा, मैंने थर्ड पार्ट आपके लिए यहाँ से अभी चूज किया। चले इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे आपको इस क्वेश्चन के अंदर बाय द वे उन्होंने एक हिंट के तौर पे भी कुछ एक स्टेटमेंट दी हुई है अ पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, वो अपने एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। लेकिन अगर नाम भी दिया हो, और बाय द वे क्वेश्चन पेपर के अंदर जब सॉल्व कर रहे होंगे पेपर के अंदर आपको ये हिंट नहीं दिया होगा, आपको खुद से पता होना चाहिए। खैर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है राइट एंगल, उसके लिए हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है तो आप सबसे पहले कंसीडर कर लीजिए एक लेंथ 6.2 सेंटीमीटर की। ये सपोज ये मेरे पास 6.2 सेंटीमीटर की एक लेंथ है जिसको मैंने नाम दे दिया ए बी। आप भी बिल्कुल ऐसे ही वो रूलर या स्केल या फुटा जो भी आप उसे बोलते हो उसके ऊपर जो लेंथ होगी वो इन सेंटीमीटर एक साइड पे दिए होते हैं, दूसरी साइड पे इंचेस दिए हुए होते हैं। तो आप सेंटीमीटर्स को जीरो से लेके जहाँ पे 6.2 सेंटीमीटर आ रहा हो वहां तक दूसरा पॉइंट एंड पॉइंट ले लीजिए, एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा, उसको नाम ए से बी दे दीजिए। और यही जो आपने काम किया है सबसे पहले स्टेप में आप यही लिख लीजिएगा दैट टेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6.2 सेंटीमीटर्स, टेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6.2 सेंटीमीटर्स, दैट्स इट। जो काम अभी हमने किया वही काम आपने साथ ही लिख लेना है। अब इसके बाद हमें इस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? राइट बाइसेक्टर। अब राइट बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? आपके पास कॉम्पस होगा, कॉम्पस की एक साइड पे आपने वो लेड पेंसिल डाली हुई है, दूसरी साइड पे उसकी निब होती है, तो उसको जितना मर्जी आप खोल सकते हो, वाइड और स्ट्रेच भी कर सकते हो, एक्सपैंड भी कर सकते हो। तो आप क्या कीजिए, उसे ये 6.2 सेंटीमीटर है, 6.2 सेंटीमीटर का हाफ बन जाता है कुछ 3.1 सेंटीमीटर, उससे कोई थोड़ा सा ज्यादा लाइक इसे 4 सेंटीमीटर तक आप उसको अंदाजे से ही 4 सेंटीमीटर तक आप उसको खोलिए कॉम्पस को, और उसको बी को सेंटर मानते हुए एक इसी तरह से यहां पे जैसे अगर आप बी पे रखोगे तो आपके पास कुछ एक इस तरह से बन जाएगी एक आर्क, और इसी तरह से एक आर्क आप नीचे भी बना लीजिए, तो ये आपके पास एक आर्क दो बन जाएगी। इसी तरह अब उतनी ही लेंथ से आप
ए सेंटर ए को सेंटर मानते हुए भी आप उसी कॉम्पस को जितनी लेंथ से खोला हुआ है उसी लेंथ से आप यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे होंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप रूलर से ज्वाइन कर देते हो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे, तो आपके पास जो लेंथ बने, जो इस ए बी लाइन को वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो पॉइंट जो हो, सपोज इसको मैं ए कह रहा हूँ, ओ कह रहा हूँ, तो ये पॉइंट ओ जो बनेगा इस तरह से, दो आर्क्स जो हैं आपने बनाई और उन्होंने जो आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, ये जो पॉइंट बना है ये लाइन ए बी लाइन सेगमेंट का होगा राइट बायसेक्टर। क्या होगा? राइट बायसेक्टर। अब आप बिल्कुल इसी तरह से फिर यहां पे आप उसी कॉम्पस को रखिए, उस कॉम्पस को आप ओपन कीजिए इस पॉइंट ए तक या इस पॉइंट बी तक, दोनों ही पॉइंट्स में से जिस पॉइंट तक भी खोलेंगे वो उसका वो सेम ही होगा। तो आप इस पॉइंट पे रख के राइट बायसेक्टर का जो पॉइंट ओ है यानी ओ को सेंटर मानते हुए रेडियस उसका लीजिए ए तक, यानी इतना उसको खोल लीजिए और आप देखेंगे तो आपके पास इस तरह से एक फिर बन रहा होगा, सर्कल बन रहा होगा। ये जरूरी नहीं है कि वो इसी पॉइंट के ऊपर ही बनेगा, वो बनना चाहिए इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन सेगमेंट आपने बनाया होगा राइट बायसेक्टर, इसके ऊपर जहां पे भी बने उसको आप पॉइंट का नाम दे दीजिए सी का। अब आपने दो काम कर लिए, पहला काम आपने क्या किया, यहां पर ओ को सेंटर मानते हुए एक राइट बायसेक्टर लिया ऑफ रेडियस, टेकिंग ओ एज अ ओ एज सेंटर, टेक ओ एज अ सेंटर एंड draw a right bisector, इस right bisector को आप कोई भी नाम दे सकते हैं P से लेके Q तक, O as a center and draw a right bisector PQ। आपने एक bisector बनाया, फिर उसके बाद तीसरा काम आपने क्या किया, वापस इसी O को center मानते हुए ओ ए तक का रेडियस लिया और उस रेडियस तक आपने एक सेमी सर्कल ड्रा कर लिया, ड्रा, फिर अभी आपने क्या किया, ड्रा अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, भले इसको इस पॉइंट पर रख के सेंटर मानते हुए इतना खोलिए या फिर बी तक खोलिए, दोनों ही लेंथ सेम है, दोनों ही रेडियस सेम होगा क्योंकि सेमी सर्कल है, तो आप लिख सकते हैं ड्रा अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ओ ए और ओ बी टेकिंग ओ एज अ सेंटर, ओ को सेंटर मानते हुए भैया आपने उसी कॉम्पस से उस कॉम्पस को यहां से लेके इस एंड पॉइंट तक खोला और इसको सेंटर मानते हुए आपने इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रा कर लिया जो कि यहां तक बना हुआ आपको नजर आ रहा है। अब ये सेमी सर्कल आपको नजर आ रहा है कि इस पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट सी, और आगे ये भी लिख दीजिए विच कट्स PQ at point C, और इसने C के ऊपर इसको कट किया। अच्छा बस अब बात खत्म होगी, आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुकी है। आप क्या कीजिए कि इस C को अभी आप A से भी ज्वाइन कर दीजिए और इसी C को अभी आप B से भी ज्वाइन कर दीजिए, इसी C को जब आप A से ज्वाइन करोगे और जो आप B से ज्वाइन कर रहे हो तो आपको नजर आ रहा है आपके पास ये उस ए बी सी एक ट्रायंगल बनती हुई नजर आ रही है। अब ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं ये भी निकाल देता हूँ या फिर इसे रहने देता हूँ, लेकिन इसको आप ऐसे इस तरह से कर लीजिए सो दैट आपको आसानी हो जाए। ये वाली लाइन जो है ये राइट बायसेक्टर है और ये सर्कल भी अभी भले आप ना बनाएं या बना रहने दीजिए वो आपकी मर्जी है, क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं, हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड थी वो सिर्फ एक ट्रायंगल थी और वो हमने बाय द वे बना लिए। ये ट्रायंगल ए बी सी जो बनेगी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी और यहाँ पे हमने फोर्थ स्टेप में क्या किया था, ज्वाइन सी टू ए एंड बी, हेंस
A, B, C is required. ये जो एंगल बनेगा बाय द वे ये वाला 90 डिग्री का होगा इज रिक्वायर्ड राइट एंगल्ड आइसोसेलस ट्रायंगल. अच्छा 90 डिग्री का ये क्यों होगा आप बेहतर जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस के ऑपोजिट लेंथ जो होती है वो कौन सी लेंथ होती है सॉरी हाइपोटेन्यूस के ऑपोजिट जो एंगल बन रहा हो वो एंगल कौन सा होता है राइट एंगल यानी 90 डिग्री का या फिर 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट साइड पे जो लेंथ बन रही होती है उसे आप हाइपोटेन्यूस बोलते हो और ये चूंकि हाइपोटेन्यूस दिया हुआ था हाइपोटेन्यूस के ऑपोजिट जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का है हेंस आपके पास ए बी सी या ए सी बी जो ट्रायंगल बनी है वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल थी. इसी तरह से ये इसके बाकी तीन पार्ट्स भी आप हाइपोटेन्यूस को कंसीडर करके उसका राइट बाइसेक्टर लीजिए राइट बाइसेक्टर को एंड पॉइंट तक खोलिए राइट बाइसेक्टर के ऊपर कॉम्पस रखने के बाद सेंटर मानते हुए एंड पॉइंट ए तक ओपन करिए या बी तक ओपन करिए और एक सेमी सर्कल ड्रा करिए और वो सेमी सर्कल जहां पर राइट बाइसेक्टर जो कि आपका पी से क्यू तक था उसको कट कर रहा होगा उस पॉइंट से आप दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए तो आपके पास एक ट्रायंगल बनेगा जिसको आप क्या बोलते हो आइसोसेलस ट्रायंगल और वो ट्रायंगल होगा भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल. तो ये था आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 4. इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो के अंदर सीखते हैं. वो जो लास्ट क्वेश्चन है वो है अबाउट एम्बिगुअस केसेस. अब उसमें होगा एम्बिगुअस केस का मतलब है कि ट्रायंगल भी बन रही हो ट्रायंगल ना बन रही हो या एक से ज्यादा ट्रायंगल बन रही हो तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं एम्बिगुअस केसेस. जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर लिखा भी हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर एम्बिगुअस केस. कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इन विच आपको क्या दी हुई है दो लेंथ और एक एंगल दिया हुआ दो लेंथ और एक एंगल के साथ आप कैसे ट्रायंगल क्रिएट करते हो कैसे ट्रायंगल डिजाइन करते हैं ये हम पहले भी सीख चुके हैं लेकिन एक इसके इसमें से हम करते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट ही है क्वेश्चन नंबर 5 और इसका फर्स्ट पार्ट इस फर्स्ट पार्ट के अंदर है आपको मेजरमेंट दी हुई है दो एसी और ए बी दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है आपको बी के ऊपर मेजरमेंट एंगल बी. अच्छा एसी दिया हुआ है 4.2 और फिर है 5.2 और फिर एंगल जो दिया हुआ है वो है 45 डिग्री. अभी आप क्या कीजिए सबसे पहले आप ले लीजिए लेंथ ए बी ले लीजिए ए बी लेंथ आप लीजिए वो होगी आपके पास सपोज यहां से ए से लेके बी तक ये जो लेंथ ली है मैंने 5.2 सेंटीमीटर ली है. अब आप इसी तरह लिख लेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर टेकिंग अ लेंथ ए बी इक्वल्स टू 5.2 सेंटीमीटर और उसके बाद एंगल बी आपने बनाना है 45 का तो बी को सेंटर मानते हुए आप पहले एक किसी तरह से सेमी सर्कल ड्रा कर लीजिए जितनी कॉम्पास को पहले वाइड किया हुआ है उतना ही रहने दीजिए एक आर्क बनाइए 60 डिग्री का हो जाएगा और 0 और 60 डिग्री के बिल्कुल हाफ करेंगे तो वो 30 डिग्री का होगा और यहाँ से अगर आप एक आर्क ड्रा करें और यहाँ से एक आर्क ड्रा करें तो वो यहाँ पे कहीं पे आपके पास 30 डिग्री आएगा. फिर से देखते हैं यहाँ पे रखेंगे अगर सेंटर और यहाँ पे रखेंगे तो एक ये वाला और फिर एक ये आपके पास एंगल बनेगा 30 डिग्री. इसको अगर नीचे तक लेके आते हैं यहाँ तक तो ये 30 डिग्री एंगल हो गया. अब हमें चाहिए 45 तो 60 और 30 का अगर हाफ लेंगे तो वो 45 होगा. यहाँ पे रख के एक उसी तरह से बना लीजिए जो आपके पास ये बन रही थी और फिर इसके ऊपर रख के भी आप इसी तरह अगर ड्राइव करते हो तो वो कुछ ये तो इसको ज्वाइन करने से आपके पास बन गया एंगल 45 डिग्री. बी से लेके टी तक आपने कैसे एंगल 45 डिग्री का बना लिया इसको आप लिख सकते हैं 45 डिग्री एंगल. उसके बाद आपके पास लेंथ है हमने बी ये दो चीजें बना ली और ए सी दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर. अब ए को सेंटर मानते हुए अगर 4.2 का लेंथ आप लेते हो आर्क 4.2 सेंटीमीटर तक कॉम्पस को ओपन करिए और एक आर्क ड्रा कीजिए टेकिंग ए एज अ सेंटर तो वो कुछ इस तरह से होगी आपके पास ये. अब इस आर्क ने आप देख रहे हैं कि इसे यहां पर भी इंटरसेक्ट कर दिया
इस पॉइंट के ऊपर, सी के ऊपर भी और पॉइंट पी के ऊपर भी, दो पॉइंट्स के ऊपर, ये जो आपने ए को सेंटर मानते हुए 4.2 सेंटीमीटर लेंथ की जो आर्क आपने ड्रा करी, उसने आपका बी टी जो था टर्मिनल एंगल बी टी, उसको एंगल टर्मिनल बी टी को दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट किया। अब उन दोनों पॉइंट्स को आप अगर ज्वाइन करते हो पहले सी को ए से, तो आपके पास ट्रायंगल बन गई ए बी सी, और पी को ज्वाइन करोगे तो आपके पास बन रही है ट्रायंगल ए बी पी। तो दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, सेम दो साइड्स और एक एंगल की रीडिंग्स के साथ अगर दो ट्रायंगल्स बन रही होती हैं, तो हम ऐसे केस को क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस केस, क्योंकि दो ट्रायंगल बन रही हैं, या दो से ज़्यादा बन रही हों या ना बन रही हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस केस। बिल्कुल इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है, जिसके अंदर अभी ये फर्स्ट पार्ट हुआ, चलें इसको रेज करके साथ ही हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर भी उन्होंने कुछ इसी तरह से आपको रीडिंग्स दी हुई हैं, बी सी दिया हुआ है और ए बी दिया हुआ है, बी सी और ए बी, मेजरमेंट बी सी, मेजरमेंट ए बी और एंगल ए दिया हुआ है आपको, मेजरमेंट एंगल ए 30 डिग्री, और दोनों रीडिंग्स दी हुई हैं 2.5 और 5 सेंटीमीटर्स, 2.5 सेंटीमीटर्स और 5.0 सेंटीमीटर्स। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले मेजरमेंट ए बी ले लीजिए 5.0 सेंटीमीटर तक, तो ये ए बी स्केल से ऑब्वियसली आप मेजर करके लोगे, तो ये सपोज 5 सेंटीमीटर्स है, 5.0 सेंटीमीटर्स, और एंगल ए आपने बनाना है 30 डिग्री, तो यहाँ से लेके सेमी सर्कल ड्रा कीजिए, ये हो गया आपके पास, उतनी कॉम्पस को ओपन रखेंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये 60 डिग्री, और ये हो गया 0 डिग्री, तो 0 इसके ऊपर आप कॉम्पस को रखिए और एक आर्क ड्रा कर लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से वो यूं बनेगी, और इसके ऊपर सेंटर मान के यहाँ पे आप रखोगे तो ये इंटरसेक्ट करेगा कहीं यहाँ पर। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो एक टर्मिनल एंगल आप ए से लेके पॉइंट टी तक ज्वाइन कर लीजिए, और ये एंगल आपके पास बन जाएगा 30 डिग्री का, क्योंकि ये 60 डिग्री का था इसका, और जीरो का हाफ किया, तो अभी आपके सामने इसका 30 डिग्री एंगल बना। अच्छा, इसके बाद लेंथ जो थी आपको बी सी वो दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। अब बी को सेंटर मानते हुए 2.5 सेंटीमीटर तक, 2.5 सेंटीमीटर तक आप क्या कीजिए, कॉम्पास को ओपन कीजिए या उसका रेडियस लीजिए 2.5 सेंटीमीटर, और एक आर्क ड्रा कीजिए। अगर आप एक आर्क ड्रा करते हो तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, लाइक वो जो टर्मिनल एंगल है उसको इंटरसेक्ट करके जा रही होगी, कट नहीं कर रही होगी, और अगर वो इंटरसेक्ट कर रही होगी आर्क, तो आप ये लिखेंगे वो आर्क जो नहीं आपने ड्रा की है, टेकिंग बी एज अ सेंटर एंड रेडियस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क विच इंटरसेक्ट टर्मिनल एंगल ए टी, टर्मिनल ऑफ एंगल ए ए टी एट पॉइंट सी, और इस सी को अगर ज्वाइन कर देते हो तो आपके पास क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई ए बी सी। अब ये जहां जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां से आप अपनी मर्जी से लेंथ ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते थे, यहां से भी ले सकते थे, आगे भी यहां से भी ले सकते थे, तो इस में से किसी भी जगह पर अगर आप लेते तो वो आपके पास ट्रायंगल बन सकती थी। देखो सपोज ये वाली यहां पे ज्वाइन कर दो या फिर यहां पे ज्वाइन कर दो, किसी भी जगह पे ज्वाइन करते तो वो आपके पास बन सकती थी। सपोज मैंने यह वाला ये ज्वाइन किया हुआ, तो फिर मुझे ये वाली नहीं चाहिए, बस यही एक ही ट्रायंगल बनाऊंगा, तो ये भी क्या है, एम्बिगुअस केस ही है। अब थर्ड केस जो है, वो थर्ड केस के अंदर ये है कि जब आप थर्ड ये वाली लास्ट वाला जो आर्क आप ड्रा करते हो, अगर आप वो आर्क ड्रा कर रहे हो, वो ना तो दो दफा इस टर्मिनल एंगल को इंटरसेक्ट कर रही हो, कट कर रही हो, और ना ही एक दफा इंटरसेक्ट कर रही हो, जैसे अभी इंटरसेक्ट किया था और इससे पहले दो दफा उसने कट किया था। अभी क्या है कि वो कट भी नहीं करेगी दो जगह पे, और इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी, बल्कि जो वो तीसरी साइड बनेगी वो आर्क आपकी यहाँ नीचे ही रह जाएगी उस टर्मिनल टर्मिनल से, एंगल के टर्मिनल से। तो ऐसे केस के अंदर आप इसे यहाँ तक तो लेके जा सकते हो, लेकिन ट्रायंगल बिल्कुल भी नहीं बनेगी, तो हम ये कहेंगे ट्रायंगल इज इम्पॉसिबल, वो थर्ड केस के अंदर आएगा, तो वो इंशाल्लाह आप खुद ही ज्वाइन कर लेंगे, मेथड मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 17.1, उम्मीद है
कि इसमें से आपने मैक्सिमम बेनिफिट्स लिए होंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे आप लोगों के साथ साथ एक्सरसाइज 17.2. वेट कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.